प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह के। बिल्कुल मेरे जीजो, अर्थी पर से मुर्दा जिंदा कर दिया यीशु मसीह ने। बहुत अद्भुत गवाही और बहुत अद्भुत प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है। आज का जो वचन है, आज का जो टाइटल है, वो उन लोगों के लिए जो अपने आप में मर चुके हैं, जिनका विश्वास मर चुका है, जिनका फ्यूचर मर चुका है, जिनके सपने मर चुके हैं, और यीशु मसीह आज सबको जिंदा कर रहे हैं। मेरे बातों पर नहीं, वचन पर मन लगाओ, सब कुछ अपने आंखों से देखोगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता वचन, प्रार्थना संदेश और ये अद्भुत चमत्कार आज सबके जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जो अद्भुत चमत्कार पवित्र बाइबल में है और हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। और आज प्रभु ने मुझे वचन दिया है ये वाला, जिससे कि आज बहुत लोगों के जीवन में निराशा ने, डिप्रेशन ने, लड़ाई झगड़े ने, शैतान ने बहुतों के ख्वाहिशों को है ना मार दिया है, एक मुर्दे के समान हो गए। शायद होप यानी कि आशा चली गई है, अब नहीं लगता कि कोई घर बसेगा, नहीं लगता कि कोई पत्नी आएगी, नहीं लगता कि घर जुड़ेगा, नहीं लगता कोई संतान होगी। यानी कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर, बहुत कुछ ऐसा देखकर कि हमारा फ्यूचर डेड हो चुका है, अब हम क्या करें। शायद कोई अंधकार इतना गहरा है कि कोई ज्योति नहीं दिखाई दे रही। खुशखबरी है, यीशु मसीह हमारे साथ। अंधकार कितना भी डार्क क्यों ना हो, हल्का सा किरण ज्योति की उस अंधकार को दूर कर देती है। आज वही अंधकार दूर होगा, वही ज्योति आपके जीवन में चमकेगी। आज आप नाउम्मीद में हो, फ्यूचर डेड है, सपने डेड है, मरे हुए के समान हो, एक मुर्दे के समान हो। देखो यीशु मसीह मुर्दे के साथ क्या करते हैं, वही आपके हमारे साथ करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता वचन, प्रार्थना संदेश सब ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से। आज सबके सपनों को, विश्वास को जगाना है, जिंदा करना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो वचन है, और वचन इस प्रकार है, लूका 7 अध्याय, उसको 11 से पढ़ूंगा। लूका 7:11 से, थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो एक लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। सुनो गौर से, एक एक वर्ड पे गौर करना। पहला, वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, यानी कि कोई शादी नहीं हुई, ये तो शादी लिखा हुआ था, कुंवारा था, और माँ क्या थी, और वह विधवा थी, माँ विधवा थी, यानी कि एक ही सहारा, एक ही उम्मीद, एक ही सपना। पति चला गया, बेटे के रूप में पति को देखा, यानी कि अब पति चला गया तो मैं बेटे की लाइफ को, बेटे के सारे अपनी जिद को काटूंगी और ये मेरे सपने पूरे करेगा, नौकरी करेगा, शादी होगी, संतान होगी, इससे मैं अपना दुख को दूर करूंगी। ये एक विधवा माँ की सपने थे। आज हमारे सपने बहुत सारे ऐसे हैं, मैं यहाँ नौकरी करूंगा, मैं वहाँ जाके शादी करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे सपनों से कहीं बढ़कर जिंदगी एक खेल कर देती है और हमारे सपने मर जाते हैं। हम सोचते रह जाते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है, नौकरी हंसी निकल जाती है, शादियां नहीं होती, रुकावट आ जाती है, कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, कोई हादसा ऐसा होता है कि अब हमें लगता है सब फिनिश हो गया, जो सोचा था वो नहीं हुआ। क्या आपके साथ भी ऐसा है? तो ये वचन आपके लिए। हाँ मेरे जीजो, ऐसा होता है, हम बड़े आराम से जिंदगी जी रहे होते हैं, हम गम को भूल कर बाहर आने की कोशिश कर ही रहते हैं, सडनली दूसरा एक श्राप हम पे खड़ा होता है। अभी एक बीमारी गई नहीं कि दूसरी आ गई, कुछ साल हम सही चलते फिर गिर जाते हैं, क्योंकि वो अंधकार हमें बार बार गिराता है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाते। लेकिन जब हम चलना शुरू कर देंगे, यीशु मसीह हमारी लाइफ में आ जाएंगे, जिंदगी भर के लिए हमारे जीवन में उजाला आ जाएगा। हालेलुया। ये यहाँ पे यही हुआ, विधवा माँ के सपने खत्म हो चुके, बीमारी में उसका लड़का खत्म हो चुका, अब कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ वो जिंदा लाश की तरह थी। हो सकता है अपने बेटे को दफना के आती, आत्महत्या कर लेती, या सदमे में मर जाती, ज़्यादा दिन की नहीं थी लाइफ। ऐसी बहुत लोग हैं जिनके साथ कोई ऐसे हादसे हुए तो शायद आत्महत्या के सोचते हैं, शायद उनके कर्जे के कारण या उनकी नौकरी जाने के कारण, शादी टूटने के कारण बिखर से गए, लेकिन आत्महत्या की जरूरत नहीं मेरे जीजो। खुशखबरी है आपके लिए, यीशु मसीह आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया, यीशु मसीह आ रहे हैं आपकी लाइफ में।
प्रभु ने मुझे एक सपना भी दिखाया था। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, अपनी माँ जो अपनी माँ का युक्त पुत्र था वह विधवा थी, नगर के बहुत लोग उसके साथ थे, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा मत रो। बस ये तरस आ चुका है आज हर एक माँ के ऊपर, हर एक पिता के ऊपर, हर बच्चों के ऊपर, पति पति यानी कि सभी लोगों के ऊपर, आपके ऊपर तरस आ चुका है। नौकरी जाने का दुख, बेटे को खोने का दुख, बीमार का दुख, कलेज का दुख, डिप्रेशन, बीमार पड़ना, जो भी जो भी जो भी जिस कारण आप रो रहे हो, जिस कारण आप हिम्मत हार चुके हो, खत्म हो चुका सब कुछ आपका, आप सोच रहे हो शायद कोई उम्मीद ही नहीं है, मरने के अलावा आप कोई जा रहा नहीं, क्योंकि नहीं, यीशु मसीह ने आपको देख लिया है, यीशु मसीह ने आपसे कह दिया मत रो। आप यीशु मसीह के बुलाए हुए हो, आपको हिम्मत नहीं आनी, आपको प्रार्थना नहीं छोड़नी। वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, इसलिए वो उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यीशु मसीह हम सबको जानते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह जानता है वो कभी निराशा में नहीं रहता, संकट आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन प्रभु निकालेगा। तरस आया और कहा मत रो, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। हालेलुया, अर्थी को छुआ। आज वो चीज जो कि डेड है, जिसपे आप फ्यूचर खत्म है, यीशु मसीह छुएंगे, याद रखना। अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, रुक जाओ, ऐसे बोला, ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज परमेश्वर ने जैसे इस मूर्ति को उठाया, वैसे आपके विश्वास को, आपके धीरज को, आपके खुशी को, आपके आनंद को, आपके मनोकामना को उठा रहा यीशु के सामर्थ्य में। बोला आमीन। जो आपकी निराशा है, जो आपके डिप्रेशन है, वो सब जा रहे हैं, और आशा, खुशियां, आनंद, हसोल्लास आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं आपके जीवन में। हालेलुया। कहा ए जवान उठ, मैं कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, उसने उसकी माँ को सौंप। आज परमेश्वर आपके फ्यूचर को जिंदा कर रहा है, आपके भविष्य को जिंदा कर रहा है, आपकी नौकरी की आशीष को जिंदा कर रहा है, आपके सारे सपने को जिंदा कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो यीशु मसीह ग्रहण करते हैं वो जीवन को ग्रहण करते हैं, और उनकी लाइफ में मृत्यु का कोई पता नहीं। हालेलुया। यानी कि हमारा विश्वास नहीं मरेगा, हम नहीं मरेंगे, हमारी आशा नहीं मरेगी, हमारे सपने नहीं मरेंगे, हमारी खुशियां नहीं मरेगी, वो यीशु मसीह में अब तक जीवित है। हालेलुया। इस पर सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की और उसने विषय में यह बात सारी युद्ध में आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रभु चमत्कार करते हैं। जैसे परमेश्वर ने मूर्तियों को जिंदा करा, आज आपकी खुशियों को, आपके फ्यूचर को, आपके उन चीजों को जो मर चुके, डेड हो चुके हैं, जिंदा कर रहे हैं। आपकी हेल्थ, आपके घर, आपके रिश्ते, आपका पैसा, जो जो मर चुका है सब जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास से तो बोले आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन प्रार्थना संदेश हजार गुना इनके जीवन में कार्य करे। आज जो लोग सपने में सोच रहे थे, अपने आप में सोच रहे थे मर जाए, अच्छा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सपने खत्म, फ्यूचर खत्म, पिता कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आप इनकी लाइफ में आ चुके हो। हालेलुया। और आप जब जिसके लाइफ में आते हो उनको नई उम्मीद मिलती है, खुशियाँ मिलती है, बरकत मिलती है, जीवन मिलता है, आप जीवन देने आए हो। आज इन सबको जीवन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनको आपने नया करके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद करता हूँ। इनके फ्यूचर को आपने जिंदा कर दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ ये वचन प्रार्थना संदेश सबके जीवन में हजार गुना प्रतिफल लाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु ने आपसे बातें करी, इस वचन के द्वारा जरूर बताना। जय मसीह।